हेलो दोस्तों, आप सब लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आप कैसे अपने रैंक को पुश कर सकते हैं। आप बहुत ही आराम से रैंक पुश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो, मैंने 1,20,000 का लगभग स्कोर बनाया दोस्तों। ये आप भी बना सकते हो दोस्तों, ये बहुत ही आसान है। तो दोस्तों मैंने 1,20,000 लगभग स्कोर बनाया दोस्तों। ये स्कोर मैंने सिर्फ 5 मैच खेलकर बनाया दोस्तों, 5 मैच 50 ओवर का मैच खेलकर बनाया दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, वो ट्रिक को आप यूज करो बहुत ही कम मैचेस खेलकर बहुत ही ज्यादा स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तों, उससे हम मोटिवेट होते हैं और आप लोगों को ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों रैंक पुश करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा रैंक पुश करेंगे उतना ज्यादा प्लैटिनम कॉइंस हम लोगों को डेली मिशन थ्रू मिलेंगे दोस्तों। तो हम जितना हो सके उतना रैंक हमको पुश करना चाहिए दोस्तों, और जितना हो सके उतना पॉइंट्स करना चाहिए हम लोगों को, तभी बहुत सारा प्लैटिनम कॉइंस मिलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों को कुछ भी अनलॉक करने के लिए बहुत ही ज्यादा प्लैटिनम कॉइंस की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सब लोगों को एक ऐसा ट्रिक लेकर आ गया हूं दोस्तों, ये ट्रिक यूज कर आप बहुत ही सारा प्लैटिनम कॉइंस अर्न कर सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप इधर देख सकते हो, मैंने लगभग 20,000 का स्कोर बनाया दोस्तों, वो भी एक ही मैच खेलकर दोस्तों। एक ही मैच मैंने खेला, 50 ओवर का मैच खेला दोस्तों, 20,000 का स्कोर बनाया दोस्तों। ये आप भी बना सकते हैं दोस्तों। तो अभी मैं आप लोगों को ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक फॉलो करने के लिए पूरा 3 चीजें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। तो पहला चीज है, आप लोगों को ज्यादा विकेट्स नहीं खोना चाहिए दोस्तों, मतलब जितना हो सके उतना कम विकेट्स खोइए दोस्तों। मतलब परफेक्ट शॉट लगे नहीं लगेगा भी चलेगा दोस्तों, लेकिन विकेट्स मत खोएगा दोस्तों। पूरा आपका जो पॉइंट्स है वो सब विकेट्स के ऊपर ही डिपेंड करता है दोस्तों। ज्यादातर आप लोग जितना हो सके उतना कम विकेट्स से, मतलब कम विकेट्स से जीते दोस्तों, मतलब 10 विकेट हो सके 10 विकेट से मैच जीत जाए दोस्तों। अगर आप विकेट्स कम खोएंगे तो उससे आप लोगों को बहुत ही बड़ा स्कोर मिलेगा दोस्तों। तो दूसरा चीज है, आप जितना हो सके उतना जल्दी विकेट लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों, मतलब आप जब बॉलिंग करेंगे जितना हो सके उतना जल्दी विकेट लेने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ये भी आप लोगों को बहुत ही बड़ा स्कोर बनाएगा दोस्तों। तो अभी तीसरा ट्रिक है, बांग्लादेश के साथ खेलिएगा दोस्तों। दोस्तों बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ही आसान टीम है दोस्तों, मतलब जितना भी टीम है, मतलब पूरा टीम में से बांग्लादेश टीम ऐसा है, मतलब आपको बहुत ही सारा आराम से विकेट मिल जाएंगे दोस्तों। मतलब पहला बॉलिंग कीजिए दोस्तों, मतलब आप पहला बॉलिंग करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से विकेट मिल जाएंगे दोस्तों। बहुत ही कम स्कोर करेंगे और आप लोगों को बहुत ही ज्यादा विकेट्स में मिलेंगे दोस्तों। और ज्यादातर 50 ओवर का मैच खेलने के लिए कोशिश कीजिए दोस्तों, 50 ओवर का मैच खेलिए और बॉलिंग करिए, आप लोगों को बहुत ही सारे विकेट मिल जाएंगे। इससे आप लोगों को बहुत ही कम स्कोर मिलेंगे, आप जी मतलब सीधा सीधा मतलब 1-2 रन से भी खेलेंगे आप लोगों को बहुत ही बड़ा स्कोर मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 ट्रिक, मतलब ये 3 ट्रिक जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो जल्दी से जाओ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, इससे हम मोटिवेट होते हैं दोस्तों और आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को लेकर आते रहते हैं दोस्तों। तो लाइक भी कर दीजिए, लाइक और शेयर कमेंट भी कर दीजिए दोस्तों, कमेंट करिए मुझे जरूर बोलिएगा दोस्तों आप लोगों को ये ट्रिक कैसा लगा। तो दोस्तों ये 3 ट्रिक जरूर फॉलो कीजिएगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तो मिलता है अगले वीडियो में दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अलविदा।